नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूँ मेघा कौशिक। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री कृष्णा, जय माता की, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो दर्शकों, हर रोज हम आपकी समस्याओं के समाधान लेकर आते हैं, आज भी कुछ नया आपके लिए जानेंगे, साथ ही साथ आपको बताएंगे कि आपको क्या कुछ करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आज का शुभ संयोग पंडित जी से जान लेते हैं। गुलक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद का पदस्थ हमेशा बनी रहे, आप सभी का कल्याण। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके पांव में बने कुछ ऐसे चिन्हों के बारे में जो आपको बना सकते हैं देश का प्रधानमंत्री, बना सकते हैं रंग से राजा। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइएगा और लिखते जाइएगा, क्योंकि आज हम आपके तलवों के ऊपर, जो पांव के तलवों के ऊपर जो रेखाएं होती हैं उसके ऊपर जो चिन्ह होते हैं, अक्सर हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन वो रेखाएं, वो चिन्ह आपके बैड लक को, आपके गुड लक को, आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी को शो करती है। तो लिखते जाइएगा, समझते जाइएगा आपके लाइफ से जुड़े इस इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। दोस्तों, आज से शुरू हो रहा है भागवत आराधना का सबसे शुभ मास यानी कार्तिक मास। आज से शुरू हो रहे कार्तिक मास में भगवान विष्णु की आराधना करना, माँ लक्ष्मी की आराधना करना, भगवान शंकर की आराधना करना, माँ तुलसी जी की पूजा अर्चना करना, तीर्थ स्नान करना, गौ सेवा करना, नियमित रूप से दीप दान करना, भगवान विष्णु के मंदिर में, भगवान कृष्ण के मंदिर में तुलसी जी के समक्ष नियमित रूप से दीप दान करना, दान कर्म करना आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा, आपके सभी कष्टों को दूर करेगा, आपके जिंदगी में छाए सभी दुखों को दूर करेगा, आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देगा। शास्त्रों में कार्तिक मास को बड़ा ही पवित्र मास माना गया है। स्कंद पुराण कहता है कि मासों में मास उत्तम मास कार्तिक मास, देवताओं में सबसे उत्तम देवता विष्णु भगवान, तीर्थों में सबसे उत्तम तीर्थ बद्रीनारायण तीर्थ है। पद्म पुराण के अनुसार कार्तिक मास धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष तीनों प्रदान करने वाला है। कार्तिक मास में देव आराधना से, भगवान विष्णु की आराधना से, माँ तुलसी जी की आराधना से मनुष्य की सभी प्रकार की शारीरिक, आर्थिक और मानसिक समस्याओं का समाधान बड़ी आसानी से हो जाता है। तो आज से शुरू हो रहे कार्तिक मास में भगवत आराधना करना मत भूलिएगा। बिल्कुल, और ये तो बात हो गई आज के शुभ मास की, क्योंकि कार्तिक मास अब शुरू हो चुका है और इस कार्तिक मास में भगवत आराधना आपको जरूर करनी है। तो साथ ही साथ आज हम पैरों के बारे में भी जानेंगे कि आपके पैरों पे अगर लकीर है, चिन्ह है, तो वो कैसे आपको करोड़पति बना सकते हैं, क्या कुछ कहते हैं वो चिन्ह आपके बारे में। लेकिन उससे पहले सुशीला जी का कॉल लेते हैं, ब्यावर से ये जुड़ गई हैं, बेटे इंद्रजीत के लिए जानना चाहती हैं। 1/11/1993 डेट ऑफ बर्थ और 5:15 शाम का समय। सुशीला जी, बहुत बहुत स्वागत है, सवाल बताएं। जय श्री कृष्णा। बेटा, हमारा बेटा ने बीकॉम करा है और सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है, सरकारी नौकरी कब तक लगेगी और उसका शादी का योग कब तक बनेगा, आप बताओ। देखो, उसका क्या है, नौकरी नहीं लग रहा है। देखिए, जहाँ तक इस बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है, आपके बेटे इंद्रजीत का, इसकी जन्म कुंडली में 18 साल की राहु की महादशा चल रही है। सन 2012 से इसको राहु की महादशा शुरू हुई है और 2023 तक राहु की महादशा चलेगी। राहु मतलब हर काम में अड़चन, राहु मतलब हर काम में रुकावट, इसी कारण से इसके जो भी ये प्रयास कर रहा है उस प्रयास में देरी हो रही है। ये राहु की महादशा वैसे तो लंबी चलेगी। जहाँ तक आपके दो प्रश्न हैं कि सरकारी नौकरी के योग है या नहीं है, 100% सरकारी नौकरी का योग है। इसकी सरकारी नौकरी का योग बनेगा अगले वर्ष 2020 के अंदर, जो भी कंपटीशन देगा और उसका जो भी रिजल्ट आएगा वो इसके फेवर में आएगा। दूसरा, इसकी जन्म कुंडली में शुक्र नीच का है और सूर्य भी नीच का है। योग्य आचार्य के निर्देशन में इसकी ग्रह शांति करवाएं और जब भी इसका विवाह करें
कुंडली मिलान करने के पश्चात में ही इसका विवाह करिएगा, अदरवाइज मत करिएगा। एक सोने तांबे का कड़ा इसको सीधे हाथ में पहना के रखिए, सोना इसको नहीं पहनना है। हर शुक्रवार को 10 वर्ष से कम की कन्याओं को कुछ ना कुछ गिफ्ट देना है। वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला के अंदर कीजिए, 2020 में विवाह भी होगा और नौकरी भी लगेगी। बिल्कुल, तो 2020 जिसमें आपके बेटे की नौकरी भी लगेगी और साथ ही साथ शादी भी हो जाएगी, तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। अब सुनील जी का कॉल लेते हैं। पंडित जी ब्यावस से ये जुड़ गए हैं और बेटे के लिए जानना चाहते हैं। नितिन नाम है, 27/9/1998 और 8:15 का शाम का समय। सुनील जी बहुत बहुत स्वागत है, बताएं सवाल क्या है बेटे के लिए। नमस्ते जी। नमस्ते। बस बेटे का आगे का जीवन और शादी। देखिए सुनील जी, जहाँ तक आपके बच्चे के जन्म कुंडली का सवाल है, पहली चीज़ तो ज्येष्ठा नक्षत्र का जन्म है, मूल नक्षत्र का जन्म है। आशा करते हैं कि आपने इसके विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना करवा दी होगी पैदा होते ही 27वें दिन। यदि नहीं करवाई है तो योग्य आचार्य के निर्देशन में विधि विधान पूर्वक पूजा अवश्य करवा लीजिएगा। दूसरा, इस बच्चे की जन्म कुंडली में 3 ग्रह और नीच के होके बैठे हैं। शनि इसकी कुंडली में नीच का है, चंद्रमा इसकी कुंडली में नीच का है, शुक्र भी नीच का है। ये 3 ग्रह नीच के हैं। योग्य आचार्य के निर्देशन के अंदर विधिवत ग्रह शांति अवश्य करवाइएगा। काले नीले रंग के कपड़ों का प्रयोग नहीं करना है, सफ़ेद कपड़ों का प्रयोग नहीं करना है। सूर्यास्त के बाद दूध दही चावल सफ़ेद चीज़ों का सेवन नहीं करना है। मंगलवार शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करना है। बाकी अगर भविष्य ये सब उपाय करते रहेंगे, शनि को मना कर रखेंगे और चंद्रमा को मना के रखेंगे, तभी भविष्य इसका उज्ज्वल हो पाएगा। वजन के बराबर गुड़ का दान हर साल गौशाला के अंदर नियमित रूप से करना है और 6.25 रत्ती का तिकोना मूंगा अनामिका उंगली में तांबे में पहना के रखें। बिल्कुल, तो ये तो बात हो गई पंडित जी समस्याओं के समाधान की, लेकिन जैसा कि आप हमें पहले भी हाथ की रेखाओं के बारे में बता चुके हैं कि हाथ की रेखाओं से कैसे लव मैरिज का पता चलेगा, अरेंज मैरिज का पता चलेगा, बच्चों के बारे में पता चलेगा, लेकिन पैर की रेखाओं से भी ये पता चलता है कि आप करोड़पति होंगे, किस तरह ऊंचाइयों को सफलताओं को छुएंगे, ये आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हमारे हाथों की रेखाएं, हाथों की लकीरें हमारे फ्यूचर के बारे में बहुत कुछ बताती है। कहा जाता है कि हमारे हाथों की रेखाओं में हमारे भूत और भविष्य के कई राज छुपे हुए होते हैं। उसी तरीके से हमारे पाँव की जो रेखाएं हैं वो भी हमारा भविष्य बताती है, हमारा भूत बताती है। समुद्र शास्त्र में पैरों के तलवों की रेखाएँ पढ़कर भविष्य के बारे में बताया जाता है। तो आप भी अपने पाँव की रेखाओं और कुछ विशेष चिन्हों के जरिए अपने भविष्य के राज्यों को पता कर सकते हैं। तो आज आपके पसंदीदा शो गुडलक टिप्स में आज हम आपको बताएंगे कि आपके पैर की कौन सी रेखा आपको बना सकती है करोड़पति, कौन सा चिन्ह आपको बना सकता है देश का प्रधानमंत्री। शुरुआत करते हैं पाँव की पद्म रेखा। जिस तरीके से हाथ में भाग्य रेखा होती है, ठीक उसी तरीके से आपके पाँव में भी भाग्य रेखा होती है, जिसे हम पद्म रेखा कहते हैं। जिस प्रकार हाथ में भाग्य रेखा होती है, ठीक उसी प्रकार पाँव में भी एक बिल्कुल खड़ी रेखा, उंगलियों से लेके पाँव की एड़ी तक एक खड़ी रेखा पाई जाती है। वो जो रेखा है वो जितनी गहरी हो, जितनी लंबी हो, जितनी स्पष्ट हो, जितनी निर्दोष हो, जातक उतना ही अधिक सुख संपत्ति धनवान वाला होता है। इसी को हम भाग्य रेखा कहते हैं, संपत्ति युक्त जीवन जीता है, पद्म रेखा भी इसे कहा जाता है। अगर वो रेखा जो बिल्कुल सीधी है, एड़ी के निचले भाग से प्रारंभ होकर एड़ी के, ये मान लीजिए पांव का तलवा है, ये एड़ी है, तो एड़ी के निचले भाग से प्रारंभ होकर अंगुष्ट तक, पांव के अंगूठे तक चली जाए, तो ऐसा जो जातक होता है, ऐसा जो मनुष्य होता है, देश विदेश में प्रसिद्ध सम्राट होता है, राजा के समान होता है। अगर पद्म रेखा आपके पांव में है तो जल्दी से कार्यक्रम को देखते देखते अपने पांव की रेखाओं को भी पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। वहीं यदि आपके पैरों के मध्य से निकलकर 3 रेखाएं, पैरों के मध्य में से, बीच में से निकलकर 3 रेखाएं साथ चलकर आगे बढ़े और उनमें से कोई एक रेखा आपकी उंगलियों तक पहुंच जाए, पांव की उंगलियों तक पहुंच जाए, तो ऐसा जातक, ऐसा मनुष्य परम ऐश्वर्यशाली होता है, प्रत्येक क्षेत्र के अंदर सफलता प्राप्त करता है।
वह यदि एक खड़ी रेखा लगभग 3 इंच की एड़ी के मध्य में स्थित हो, एक खड़ी रेखा 3 इंच की एड़ी के मध्य में स्थित हो, तो ऐसा जातक, ऐसा मनुष्य मदिरा पान करने वाला होता है, अपने बंधु बांधव पुत्र आदि से विरोध रखता है, विद्वेष रखता है, उसे अपनी मदिरा पान मंडली के मित्र ही अच्छे लगते हैं। वहीं पांव के मध्य भाग से निकलकर, पैरों के मध्य भाग से निकलकर एक खड़ी रेखा उंगलियों तक जाए, एक खड़ी रेखा पांव के मध्य भाग से निकलकर उंगलियों तक जाए, तो ऐसा व्यक्ति सौभाग्यशाली होता है। यदि यही रेखा अनामिका उंगली, पांव की जो अनामिका उंगली है, रिंग फिंगर, सबसे छोटी से पास वाली, वहां तक चली जाए, तो ऐसा जो मनुष्य होता है आलसी प्रवृत्ति का होता है। सपने तो बहुत देखता है, लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास नहीं करता है। बिल्कुल, तो पैरों में भी आपकी रेखाएं होती हैं, और ये रेखाएं कैसे आपके भविष्य के बारे में बताती हैं, आपके स्वभाव के बारे में बताती हैं, ये पंडित जी हमें बता रहे हैं। तो आगे भी जानेंगे कि कैसे पैर की रेखाएं आपके भविष्य में आप सफलता पाएंगे या नहीं, ऐश्वर्य आपके पास होगा, धन होगा या फिर नहीं, ये बताएंगी, इनके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले पंडित जी कॉल हमारे साथ वंदना जी जुड़ गई हैं श्री गंगानगर से, बेटी के लिए जानना चाहती हैं 2/10/2007 डेट ऑफ बर्थ और 8:31 का सुबह का समय। वंदना जी बहुत बहुत स्वागत है, बताएं बेटी का क्या पूछना चाहती है, बेटी के लिए जी बोलिए बेटा। गुरु जी मेरी बेटी पढ़ाई में कैसे जाएगी, इसका भविष्य अच्छा होगा ना? देखिए बेटा वंदना, बच्चों का भविष्य तो वैसे भी अच्छा ही होता है, बच्चियाँ तो अपना भाग लिखा के लाती हैं, इसलिए आपको बच्ची के भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। कुंडली बहुत अच्छी है, पर अभी विशेष तौर पर राहु की महादशा चल रही है इसको 2012 से, और राहु की महादशा इसको ख़त्म होगी 2030 में। अभी तो छोटी है, लगभग 10-12 साल की बच्ची है, 2030 में राहु की महादशा ख़त्म होगी। राहु इसके शिक्षा के क्षेत्र में बैठा है, पढ़ाई के घर में, इसलिए जितने प्रयास करेगी उतना रिजल्ट नहीं आएगा, या पढ़ाई के अंदर थोड़ा उच्चाटन बना रहेगा। एक गोमेद रत्न आता है, उसका पेंडेंट बना के इस बच्ची के गले के अंदर धारण करवा दीजिए, और रविवार को इस बच्ची के नाम से भैरव मंदिर में दाल की कचौरी, दही, मर्ती चढ़ाना शुरू कीजिए। बाकी कुंडली बहुत अच्छी है, आपके परिवार का, आपके 7 पीढ़ियों का नाम रोशन करेगी जी। और पंडित जी गायत्री जी का कॉल लेते हैं, अलवर से ये जुड़ गई हैं, बेटे के लिए जानना चाहती हैं 18/12/1990 डेट ऑफ बर्थ और 4:48 का सुबह का समय। गायत्री जी बहुत बहुत स्वागत है, बताएं सवाल। बेटे के बारे में पूछ, हाँ इसकी शादी कब तक होगी, वो बिजनेस करे या सर्विस करे, क्या करे, कोई काम धंधा? देखिए जहाँ तक इस बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है, आपके बच्चे भीम का एक तो मूल नक्षत्र का जन्म है, आशा करते हैं कि आपने इसके पैदा होते ही 27 दिन के मूल शांत कराए होंगे, यदि नहीं करवाए हैं तो योग्य आचार्य के निर्देशन में मूल शांत करवाइए। अभी इस बच्चे को चंद्रमा की महादशा चल रही है और उसमें भी राहु का अंतर चल रहा है, ग्रहण योग इसकी जन्म कुंडली के अंदर चल रहा है। वैसे अगर ये सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करे तो इसकी नौकरी लग सकती है, फिर भी यदि अगर कोई ये काम करना चाहता है, व्यापार करना चाहता है, तो सफ़ेद चीज़ों का, कपड़ों का काम कर सकते, लोहा, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, फार्मेसी, इस तरह का काम ये कर सकता है, इसमें कोई दोराय नहीं है। विवाह का योग 1 वर्ष पश्चात बनेगा, अगले साल 1 अक्टूबर 2 नवंबर 2 दिसंबर में इसके विवाह का योग बनेगा। बाकी आप मूल शांत करवाइए, यदि नहीं करवाई है तो बाकी सब कुछ अच्छा है। बिल्कुल, तो आपको आपके बेटे के लिए बताया। और दर्शकों अगर आपकी भी कोई समस्या है और चाहते हैं कि आपको उससे जल्द से छुटकारा मिल जाए और समाधान मिले, तो उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ आज चर्चा कर रहे हैं हम पैर की रेखाओं के बारे में, कि आपके पैर की रेखाएं आपके बारे में क्या कुछ बताती हैं, तो आगे चर्चा इस पर करेंगे। लेकिन फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। और दर्शकों, आज हम रेखाओं की बात कर रहे हैं, जो कि हाथ की रेखाएं तो हम सभी देखते हैं, लेकिन पैर की रेखाएं आपके बारे में क्या कुछ कहती हैं, क्या कुछ बताती हैं, आपका भविष्य ये पंडित जी हमें बता रहे हैं। तीन रेखाएं अगर निकल रही हो तो क्या होता है, एक रेखा निकल रही हो और वो उंगली तक पहुंचे तो इसका क्या अर्थ होता है, ये तो पंडित जी आपने हमें बताया, आगे भी जानना चाहेंगे। तो आइए दोस्तों बात करते हैं, चर्चा की आगे बढ़ाते हैं। आपके पाँव में बने अब कुछ चिन्हों के और रेखाओं के बारे में आपको बताता हूँ। यदि पाँव के तलवों में सांप जैसा चिन्ह बना हो या चूहे जैसा चिन्ह बना हो, जिस महिला के पाँव में सांप या चूहे के आकार की रेखाएं होती हैं, चिन्ह होते हैं, ऐसी महिलाओं का जीवन कष्टदायी होता है। समय समय पर उनको धन हानि का सामना करना पड़ता है। अगर पाँव के मध्य में एक रेखा, पाँव के मध्य में से एक रेखा मध्यमा उंगली तक जाए, पाँव की जो मध्यमा, ये हथेली है हाथ की, आप पाँव समझ लीजिए, बीच में से पाँव के मध्य में से एक रेखा मध्यमा उंगली तक जाए, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में सारे प्रकार के सुख मिलते हैं, धन संपत्ति औलाद का सुख, संतान का सुख प्राप्त होता है। वहीं यदि पाँव में दाई ओर का घुमा हुआ चक्र का चिन्ह हो, दाई ओर घूमता हुआ चक्र का चिन्ह हो, माला का चिन्ह बना हो, अंकुश का चिन्ह बना हो, तो ऐसे व्यक्ति आईएएस बनते हैं, कलेक्टर बनते हैं, राज सुख प्राप्त होता है, सरकारी नौकरी में उच्च पद को प्राप्त करते हैं। वहीं यदि पाँव के तलवों में शंख का चिन्ह बना हो, मछली का चिन्ह बना हो, चक्र का चिन्ह बना हो, तो ऐसा व्यक्ति मंत्री पद को हासिल करता है, चल अचल संपत्ति को प्राप्त करता है। बिल्कुल, तो आपके चिन्ह आपके बारे में क्या बताते हैं, पैरों में बने हुए चिन्ह। आगे पंडित जी और भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं, उनका कॉल ले लेते हैं। और ये मणिपेश भीलवाड़ा से जुड़े हैं, बेटे के लिए जानना चाहते हैं, आशुतोष नाम है, 16/8/2005 डेट ऑफ बर्थ, 9 बजे का रात का समय। मणिपेश बताएं सवाल क्या है बेटे के लिए, भविष्य जान लेते हैं पंडित जी, छोटा बच्चा। देखिए, जहां तक बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है, कुंडली बहुत अच्छी है, आप निश्चिंत रहिए, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का जन्म है और शुक्र की महादशा चल रही है, एजुकेशन में भी ठीक ठाक रहेगा, लेकिन पितृदोष इसकी जन्म कुंडली के अंदर है। पितृदोष की विधिवत शांति करवाइए, घर में पितरों के नाम का देशी घी का दीपक जलाइए, उज्जैन जाकर इसके पितृदोष की शांति करवाएं। शुक्र नीच का है, वजन के बराबर हर साल जन्मदिन के ऊपर वजन के बराबर चावल का दान करें या वजन के बराबर चीनी का दान किसी अनाथ आश्रम में, बच्चों के अनाथ आश्रम में करना मत भूलिएगा, जब भी इसका जन्मदिन हो। बाकी इसकी कुंडली अति उत्तम। बिल्कुल, और पंडित जी अब दोबारा आगे बढ़ते हैं, चर्चा की तरफ रुख करते हैं, चूंकि पैरों के चिन्ह आपने बताया कि क्या कुछ कहते हैं, स्वास्तिक अगर हो तो वो चिन्ह क्या कहता है, और एक जो सबसे बड़ा सवाल सबके मन में होता है कि हम क्या उच्च अधिकारी बनेंगे, हायर पोस्ट पे जाएंगे, हमें सफलता मिलेगी, प्रधानमंत्री बनेंगे या अच्छे मंत्री पद पर जाएंगे, उसके लिए कौन से चिन्ह होते हैं पैरों में। चलिए दोस्तों चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो जिस व्यक्ति के पाँव में ध्वज हो, ध्वज यानी झंडे जैसा निशान हो, जिस व्यक्ति के पाँव में छत्र बना हुआ हो, जिस व्यक्ति के पाँव में चक्र हो, स्वस्तिक बना हुआ हो, पद्म आदि चिन्ह बने हो, वो सम्राट के समान होता है, राजा के समान होता है। और कौन बनता है प्रधानमंत्री, आइए उसको समझ लेते हैं। अगर आपके पाँव में हाथी का चिन्ह बना हुआ हो, अगर आपके पाँव में घोड़ा बना हुआ हो, पर्वत, अंकुश, स्तंभ, कुंडल, विल्ब, रथ, यदि एक या एक से ज्यादा अनेक चिन्ह, इस प्रकार के शुभ चिन्ह यदि आपके पाँव के तलवों में बने हैं, तो आप प्रतिष्ठित उच्च अधिकारी बन सकते हैं या आप देश के प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। वहीं यदि जानवरों की आकृति की बात करें, यदि पाँव के अंदर, पाँव के तलवों में सियार, भैंसा, उल्लू, कौवे जैसी आकृति हो, तो इसे शुभ नहीं माना जाता है। ऐसी आकृति होने पर इंसान का जीवन दुखों से घिरा रहता है।
वहीं यदि सूर्य या चंद्रमा, पांव में सूर्य का निशान बना हो, चंद्रमा का निशान बना हो, पृथ्वी का निशान बना हो, चक्र चामर व्यंजन तोरण सिंह स्वस्तिक पूर्ण कुंभ मकर हंस अंकुश पद्म जैसे एक या एक से ज्यादा चिन्ह हो, तो ऐसा व्यक्ति सौभाग्यशाली माना जाता है, ऐश्वर्यशाली माना जाता है, संपत्ति युक्त माना जाता है, जीवन के तमाम सुखों को प्राप्त करता है। अब कई बार आपने देखे होंगे कि जो तलवे होते हैं किसी के बड़े मुलायम तलवे होते हैं, तो अगर आपके पांव के तलवे नेचुरली मुलायम हैं तो आपका भविष्य उज्जवल है, इसमें कोई दो राय नहीं। ऐसे लोग, ऐसे जातक, ऐसे मनुष्य जिनके जीवन में उनके पांव का जो तलवे हैं अगर वो मुलायम है, तो ऐसे व्यक्तियों को जीवन में तमाम सुख बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। बिल्कुल, और ये तो बात हो गई कि आपके पैरों में कौन से चिन्ह आपको सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, लेकिन आगे भी इस पर चर्चा जारी रखेंगे। गीता जी का कॉल उससे पहले ले लेते हैं, जयपुर से ये जुड़ गई हैं और ये डेट ऑफ बर्थ बताती है अपने बेटे का, 9 फरवरी 1994 और 5 बजे का शाम का समय। गीता जी सवाल कीजिए, सवाल क्या है? बीकॉम करावा। हेलो जी, बोलिए। बेटा बीकॉम करावा है पर अभी इसकी नौकरी नहीं लगेगी। देखिए, अभी इस बच्चे को आपको और पढ़ाना चाहिए, खाली बीकॉम से आजकल कुछ नहीं होता है, राहु की महादशा चल रही है, आप इसको मैनेजमेंट सेक्टर की तरफ भेजें, सरकारी नौकरी की तैयारी करवाएं। यदि साल डेढ़ साल रुक के कंपटीशन की तैयारी करता है तो फरवरी 2020 से लेके 2023 के मध्य में 21, 20, 21, 22 इन 3 वर्षों में इसकी सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। कुंडली अच्छी है, कुंडली में किसी तरह का दोष नहीं है, लेकिन राहु की महादशा है गोमेद रत्न मध्यमा उंगली में धारण करें, 7.25 रत्ती का चांदी के अंदर रविवार के दिन, रविवार को भैरव मंदिर में दर्शन करें, सरकारी नौकरी का योग बनेगा अगले 3 वर्षों में। बिल्कुल, और पंडित जी आगे जानना चाहेंगे पैरों के चिन्ह के बारे में, आप हमें बता रहे थे और जल्दी से आगे भी जानना चाहेंगे इस बारे में। चलिए, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ तलवे मुलायम होते हैं, कुछ तलवे जो हैं वो काले रंग के होते हैं। अगर आपके पाँव के जो तलवे हैं काले रंग के हैं, तो ऐसे लोग जो हैं उनके जीवन में धन की कमी बनी रहती है, बीमारियाँ भी उनको हमेशा घेरे रहती हैं। वही यदि किसी जातक के पांव के अंगूठे के नीचे, पांव का अंगूठा समझ लीजिए, अगर इसके नीचे कोई खड़ी रेखा हो, तो ऐसा जातक धनवान बनता है, यशस्वी बनता है, विद्यावान बनता है। वही यदि पांव के मध्य की उंगलियों तक खड़ी रेखा के समकक्ष एक और रेखा हो, तो ऐसी स्त्री या पुरुष राज्य अधिकारी बनता है, उच्च पदाधिकारी बनता है, सुख समृद्धि और वैभव को प्राप्त करता है। यदि एड़ी के मध्य, ये जो एड़ी है पांव की, उसके मध्य 4 इंच की कोई रेखा हो, तो ऐसी स्त्री या पुरुष चोर प्रवृत्ति के होते हैं। तो इस प्रकार आप पांव की रेखाओं को देखकर आप समझ सकते हैं, आप जान सकते हैं कि आप भविष्य में उच्च अधिकारी बनेंगे या भविष्य में व्यापार करेंगे, किस प्रकार का आपका भविष्य रहेगा, ये आपके पांव की जो तलवे हैं उसकी रेखाएं और उसके मध्य में स्थित चिन्हों को बारीकी से देखकर आप अपने भविष्य के बारे में पता कर सकते हैं। तो उम्मीद यही करते हैं कि कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। पंडित जी स्टूडियो में आने के लिए, इतनी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो अगर आपकी भी कोई समस्या है, समाधान जानना चाहते हैं, तो आप हमें सोमवार से शनिवार कॉल कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।